गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 13.4 में क्या है बच्चों? 13.4 में है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक, तो आज हम किसको सॉल्व करने वाले हैं? आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स मनी की, जो हमारा चैप्टर है 13 मनी, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों ये बहुत इजी वाली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आज मैं इन्हें नोटबुक पे नहीं कराऊंगी, आज मैं आपको इन्हें समझाऊंगी, आपको खुद अपने आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नैना हैज़ लॉस्ट 37 रुपीज़ इन अ मार्केट। नैना हैज़ लॉस्ट 37 रुपीज़ इन अ मार्केट। नैना जो लड़की है, उसने मार्केट में कितने रुपए खो दिए? 37 रुपीज़। ठीक, शी इज़ नाउ लेफ्ट विद 85 रुपीज़ 15 पैसे। अब उसके पास कितने बचे हैं? लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बचना। तो नैना ने 37 रुपीज़ तो खो दिए, अब उसके पास कितने बचे हुए हैं? 85 रुपीज़ 15 पैसे। हाउ मच डिड शी हैव? तो उसके पास कितने रुपए थे? क्वेश्चन समझे आप लोग? क्वेश्चन क्या है कि नैना ने मार्केट में 37 रुपीज़ तो खो दिए, अब उसके पास बचे हुए हैं 85.15 रुपीज़, तो उसके पास थे कितने रुपीज़? समझ रहे हो क्वेश्चन को आप? ठीक, अब आप लोग लिखोगे क्या? नैना हैज़ लॉस्ट मनी इन अ मार्केट। कितनी? 37 रुपीज़। शी इज़ नाउ लेफ्ट मनी 85 रुपीज़ 15 पैसे। सो टोटल मनी क्या करेंगे हम? इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। 85 रुपीज़ 15 पैसे में 37 रुपीज़ को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। मनन व्हाट अ स्कूल बैग। मनन व्हाट अ स्कूल बैग फॉर 225 रुपीज़ 50 पैसे। अ पेंसिल बॉक्स फॉर 80 रुपीज़ 25 पैसे। अ सेट ऑफ पेंस फॉर 35 रुपीज़ 90 पैसे। हाउ मच डिड ही स्पेंड? देखिए एक मनन है जिसने स्कूल बैग खरीदा है इतने रुपए का, पेंसिल बॉक्स खरीदा है इतने का, और पेन खरीदे हैं, पेन का सेट खरीदा है इतने रुपए का, तो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड कर दी? स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्च करना। समझ गए क्वेश्चन का मीनिंग? मनन ने मार्केट गया था, मनन, और उसने स्कूल बैग खरीदा इतने का, पेंसिल बॉक्स इतना, और पेन का सेट इतना, तो टोटल उसने कितना स्पेंड किया? तो आप क्या करोगे? इन तीनों को ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसमें क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है। ठीक, हमने इसमें क्या किया? इन दोनों को ऐड किया था। इसमें क्या किया? इन तीनों को ऐड किया। ओके, समझ आ गया सेकंड क्वेश्चन? आगे बढ़ें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अ टीवी सेट कॉस्ट 30,745 रुपीज़ 25 पैसे। एक टीवी का सेट है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 30,745 रुपीज़ 25 पैसे। अ मैन हैड पेड इंस्टॉलमेंट्स वर्थ 22,395 रुपीज़ 75 पैसे। हाउ मच वॉज लेफ्ट टू बी पेड? देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक टीवी की कॉस्ट इतनी है, उन्होंने इतने इंस्टॉलमेंट पेड कर दिए हैं, तो अब उनके पास कितने रुपए देने के लिए रह गए हैं?
इतनी की कॉस्ट थी, इतने रुपए दे दिए, अब आपके पास कितना अमाउंट रह गया है उनको पे करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इस में से इसको लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 30,745 रुपीज़ 25 पैसे को क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े फोर्थ पर। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, दिव्या वांट्स टू बाय अ बुक विच कॉस्ट 18 रुपीज़ 75। दिव्या को एक बुक खरीदनी है जिसकी कॉस्ट है 18 रुपीज़ 75 पैसे। शी हैज़ अ 10 रुपी नोट विद हर, उसके पास कितने हैं, 10 रुपी का नोट है। हाउ मच वॉज लेफ्ट टू बी पेड, देखिए दिव्या को एक बुक खरीदनी है जिसकी कॉस्ट है 18.75, उसके पास 10 रुपीज़ का नोट तो है, अब उसे कितने रुपये देने पड़े। जैसे आप लोग मार्केट गए हैं और मार्केट में आपको कुछ ख़रीदना है, पेन का सेट ख़रीदना है, तो पेन के सेट की कॉस्ट कितनी है, 18.75। ठीक, आपके पास 10 रुपीज़ हैं, तो आपके पास अब कितने रुपए देने के लिए रह गए, आपको कितने रुपए देने की ज़रूरत है, और तो आप क्या करोगे, इस में से इसको लेस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आप 18.75 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फोर, आगे बढ़े। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, आशना वॉट अ शर्ट फॉर 64 रुपीज़ 50 पैसे एंड अ शॉर्ट फॉर 185 रुपीज़ 20 पैसे, हाउ मच डिड शी हैव टू पे। देखिए आशना ने एक शर्ट खरीदी है जिसका अमाउंट है 64 रुपीज़ 50 पैसे, साथ ही में उसने एक शॉर्ट भी ख़रीदा है जिसका अमाउंट है 185 रुपीज़ 20 पैसे, तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको कुछ ड्रेस पसंद आती है तो उसका अमाउंट इतना है, साथ में आपको कुछ पैंट्स पसंद आती हैं तो उसका अमाउंट इतना है, तो आपको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा शॉपकीपर को, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को ऐड ही तो करोगे, तो इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया कंप्लीट, अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, अ मैंस मंथली इनकम इज 1,575 रुपीज़ 80 पैसे, ही स्पेंट 1,280 रुपीज़ 70 पैसे फॉर हिज यूजुअल मंथली नीड्स, हाउ मच इज लेफ्ट। देखिए एक मैन की मंथली इनकम है इतनी, ठीक है, और वह इतनी खर्च कर देता है, इतनी स्पेंड कर देता है, किस में, अपनी मंथली नीड्स में, ठीक है, हाउ मच इज लेफ्ट, अब उसके पास कितनी इनकम बची अपनी। जैसे आपके पापा 5,000 रुपीज़ इनकम है उनकी, ठीक है, आपके पापा की इनकम कितनी है, 5,000 रुपीज़, अब वो आप पे 3,000 रुपीज़ खर्च कर देते हैं, तो उनके पास कितना अमाउंट बचा, कितनी इनकम बची, 2,000, तो हमने कैसे किया, 5,000 में 3,000 लेस कर दिया, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, इसमें से इसको लेस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया कंप्लीट, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेवन को पढ़ते हैं, देखिए क्या है, अ मर्चेंट वॉट गुड्स फॉर 175 रुपीज़ 50 पैसे एंड ही सोल्ड देम फॉर 250 रुपीज़ 90 पैसे, हाउ मच डिड ही गेन। देखिए एक मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन वाला
व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसने गुड्स यानी कि सामान खरीदा है 175 रुपीज़ 50 पैसे का। ठीक है, एक पर्सन ने इतना इतने का अपना सामान खरीदा है और उसने उसी सामान को 250 रुपीज़ 90 पैसे में सोल्ड कर दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? एक मर्चेंट ने इतना गुड्स खरीदा और उसी गुड्स को 250 रुपीज़ 90 पैसे में सोल्ड कर दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस मैसेज को लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अ स्कूटर कॉस्ट 27,760 रुपीज़ 25 पैसे। अ मैन हैड पेड इंस्टॉलमेंट वर्थ 25,870 रुपीज़ 80 पैसे। तो हाउ मच वॉज लेफ्ट टू बी पेड। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, कॉस्ट में से इंस्टॉलमेंट को लेस कर दिया था, आपका आंसर आ गया था। तो इसमें भी आपको स्कूटर के कॉस्ट की अमाउंट में से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, समझ में आ गया आपको। तो बच्चों, आज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 में 1 to 8 क्वेश्चन समझाए हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, जैसे 1 to 8 क्वेश्चन हमारे इजी थे, वैसे ही आपके 9 to 16 भी इजी ही हैं। तो आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 13.4 के सारे क्वेश्चन यानी कि 1 to 16 ऑल क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करनी है। समझ में आ गई? तो आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 3.4 पूरी अपनी होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करनी है। ठीक, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।